लोगों ने पूछा है, सभी लोग तो एक फोन करके पूछ रहे थे ना बैक टू बैक सुनवाई होगी, तो हमारी बात यह कि नहीं था क्या चीज, अब बैक टू बैक सुनवाई हो रही है, अब कहाँ से पैसा लाएंगे। यही चीज भी हम पहले बोल रहे थे कि आप लोग अपने पास फंड की व्यवस्था कर लीजिए ताकि बैक टू बैक सुनवाई हो तो हमारे पास हो पाए। 21 तारीख के बाद कंटिन्यू सुनवाई होगी, 1, 2, 3, 4 क्या करेंगे आप, कहाँ से पैसा लाएंगे, 7 लाख पर हियरिंग कहाँ से दे पाएंगे, 3 दिन में 21 लाख रुपए इकट्ठा कर पाएंगे तो बताइए। तो 4 तारीख की सुनवाई के लिए आप लोगों के पास 1 लाख रुपया नहीं हो पा रहा है तो आप 21 तारीख के लिए 21 लाख कहाँ से कर पाएंगे। मेरा लाइव आने का सिर्फ यही पर्पज था, मैं लाइव आना नहीं चाह रहा था, मैंने अपनी बात लाइव में बोल दी थी, बट आप लोग जितने भी मैं देख रहा हूँ पूरे स्टेट के ऑल ओवर स्टेट के जितने भी लीडर मैं देख रहा हूँ सभी शांत हुए पड़े हैं, सब सबने टेका दे दिया विश्वनाथ अपने आप देखेगा, विश्वनाथ अपने घर से नहीं देखेगा, उसका घर की बाड़ी नहीं है वो बेच के देखेगा। आप लोगों ने फंड दिया था, हमने फंड को सही जगह लगाया, उसके बाद भी 1 महीना आप लोगों ने कहीं का हमें छोड़ा नहीं, थोड़ी बहुत इज्जत पकस दे उसको कि वो क्यों इतना लेट कर रहा है, क्या कर रहा है, किसी ने छोड़ा नहीं हमें, है ना। चाहे मैं किसी राज्य की बात कर रहा हूँ, हर राज्य से गालियाँ दी थी आप लोगों ने, हर राज्य से हम कमेंट देख रहे थे, हर राज्य के ग्रुप को हम फॉलो कर रहे थे, ऐसा नहीं है कि हम नहीं देख रहे थे, कुछ भी नहीं देख रहे थे। आज 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 कुछ लोगों ने मंदीप सर को फोन किया है कि हम TR3 वाले लेकर आना चाह रहे हैं, क्या जरूरत थी आपको उनको कॉल करके, हमने आपको बताया था ना TR3 जो भी सुप्रीम कोर्ट में रिट लेकर नहीं आ पाएंगे तो नहीं आ पाएंगे, आप क्योंकि इसको बिगाड़ना चाह रहे हैं, आपको अगर लीड करना है तो अभी अभी तो आप लोगों का हमें हमने डाल के छोड़ दिया, नोटिस भी करा दीजिए, लीड कर लीजिए, उतार लीजिए उस दिन अपने अपने स्टेट से जो भी वकील उतारना है, कपिल सिब्बल को उतारना है या किसी को उतारना है उतार लीजिए, हमें मत छोड़िए, सारा कुछ हम पे छोड़ देंगे, उसके बाद सारा 200 रोपड़ भी हम ही पे दे। नहीं लग रहा था इससे पहले आप लोग लगातार फोन कर रहे थे, डेट लगा दीजिए, डेट लगवा दीजिए, जमीन बेचकर पैसा देंगे, अब लग गया पैसा खत्म हो गया, दीजिए लाके कौन देगा लाके। हाँ बिल्कुल, तो जिसका जिसका मिसलेनियस एप्लीकेशन आया या तो अपना खुद देख ले, अपनी जिम्मेदारी खुद ले लें, या संगठन के अकाउंट में पर्याप्त फंड करें, अगर संगठन के अकाउंट में फंड नहीं रहे तो उस दिन हम डेट लेकर के छोड़ देंगे, उसके बाद देखते रहिएगा अपने आप क्या करना है। और कोई जो चक्कर में पड़ा है ना कि केस जीतेगा उत्तराखंड, केस जीतेगा तो ऑल ओवर इंडिया वैलिड हो जाएगा, देखते रहिएगा वैलिड कब कब होता है कब नहीं होता। जो आप लोग यूट्यूब चैनलों के बाकवा में घूम रहे हैं, अगर उत्तराखंड हारा था तो पूरा देश हार गया, उत्तराखंड जीतेगा तो पूरा देश जीत जाएगा, ना नॉर्मल तेल होगा ना राधा नाचेगी। मिसलेनियस एप्लीकेशन क्यों लाए थे, इतना बेवकूफ है हम लोग, क्या ट्रांसफर पिटीशन लाएंगे फिर मिसलेनियस एप्लीकेशन लाएंगे, हम सीधे ओपन कोर्ट में रिव्यू क्यों नहीं सुनवाई कर रहे, रिव्यू लगा दिया होते हम लोग, अभी तो लेकर आएंगे SLP लेकर आए, रिट लेकर आए, क्या कर लिया आप, बोला था ना बिल्कुल। तो जब तक कोई नहीं बोलता है लोग सोचते हैं पागल है, बुद्धू है, उसको क्या आता है, इन्हीं लोगों ने तो आगे बोल भी दिया, घर में बैठा रहता है क्या करता है, अरे आप पटना गांधी मैदान में बैठ के क्या कर लिए, रोज रोज मीटिंग करके महीने में 4 मीटिंग करके आप क्या कर लिए, हम घर बैठ के चलो कुछ नहीं कर पाए, आप क्या कर लिए, जितना पैसा आप लोगों ने उस दौरान खर्च किया ना उसका आधा हिस्सा भी अगर हमें दे दे तो हम ज्वाइनिंग आपके हाथ में ला कर देते, लेकिन बस वही है, बनने का सबको ही, बिगड़ने का कोई नहीं, केस बन गया तो मेरा है मेरे राज का है, मेरे राज का है, मैं हारी में एक शब्द नहीं बोलिएगा बता रहा हूँ। और ये चंदा क्या बोल रहे हैं, कोई पूछ रहा है कि 5,000 चंदा दे चुके हैं, हमसे पूछिए, हम लोग 1.5 लाख चंदा दे चुके हैं उत्तराखंड वाले 2020 से लड़ रहे थे, एक दिन आके आप हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में आपने एक IA लगा दिया है और एक फाइल दे दिया तो आप कह रहे हैं कि हमने 5,000 चंदा दे दिया है, TR4 के लिए क्या होगा, जब सब वैलिड होंगे TR4 वाले भी आ जाएंगे, जो मुझे सवाल मिले मैं सवाल का सवाल सबको जवाब दे रहा हूँ। और ये पूछ रहे हैं उत्तराखंड की भर्ती तो हो गई, तो जहाँ है आप उत्तराखंड की भर्ती हो जाए आराम कीजिए, आप कोई बात नहीं दूसरी नौकरी देख लीजिए, यहाँ सलामत दीजिए हमें, अगर अमरेती बैठे हैं पूछिए इनसे क्या बात कर, को भली भांति जानते हैं सब लोग, विश्वनाथ जी का गुस्सा होने का बिल्कुल ही बनता है, क्योंकि जो अभी तक उन्होंने करते आया है वो सही चीज बताया, सही राह पे करते आया है, लेकिन लोग जो है 100% मानने के लिए तैयारी नहीं है। विश्वनाथ जी ने बोला था कि जितना केस के ऊपर लगेगा उतना ही केस का खर्चा किया जाएगा, एक्स्ट्रा पैसा नहीं लिया जाएगा, और वैसे उन्होंने करते आया, लेकिन कुछ लोग जो है इसमें सवाल खड़ा कर रहे हैं और बार बार यही पूछ रहे हैं कि हमारा वैलिड कब होगा, हमने इतना पैसा दिया इतना खर्चा किया वैलिड कब होगा। तो देखिए कोई भी केस चलता है तो एक दो सुनवाई में तो क्लियर नहीं हो जाता है, और हमारे पास केस का तीन तीन रास्ते अलग अलग से लगे हुए हैं, TP हो गया, MA हो गया, रिव्यू हो गया, और विश्वनाथ और आदर्श जी ये सब लोग पहले से भी बोल चुके हैं कि जो केस पहले आएगा उसके ऊपर उतना खर्चा किया जाएगा, एक्स्ट्रा पैसा किसी से नहीं लिया जाएगा, ये सभी लोग जानते हैं, और पिछला 2 सुनवाई में जो फंड पैसा जो फंड था उसका उपयोग कर चुके हैं, तो एक्स्ट्रा पैसा कहाँ से आएगा, जब तक जनता जो है पैसा नहीं देगा फंड नहीं करेगा सुनवाई के लिए पैसा कहाँ से आएगा। और यही कारण है कि विश्वनाथ जी ने गुस्से में सब चीज बोला है, और ये जायज भी है क्योंकि 4 तारीख को सुनवाई होने वाला है उसके लिए पर्याप्त मात्रा में फंड नहीं है, उसके बाद 21 तारीख को पुनः सुनवाई होगा उसके लिए भी अभी तो फंड है ही नहीं, 4 तारीख के लिए नहीं है तो 21 तारीख के लिए कहाँ से होगा। तो जितने भी दर्शक देख रहे हैं कृपया करके सहयोग को आगे बढ़ाएं, और जब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे तब तक आपका कोर्स आपका NOS आगे नहीं बढ़ेगा, ये मान के चलिए, क्योंकि सुनवाई होने के बाद ही आपका कोर्स वैलिड होगा ना, उससे पहले कहाँ वैलिड होगा। तो इसीलिए जितने लोग भी देख रहे हैं और जितने भी संगठन जुड़े हुए हैं जिन भी राज्य
जी से लगे हुए हैं, सब लोग सहयोग करिए और बिल्कुल ही हम लोग सही रास्ते में ही जा रहे हैं। अब तक पूरा केस को देख लीजिए, विश्वनाथ और आदर्श जी के पूरे उनके सहयोग को देख लीजिए, कहीं भी आपका पैसा एक रुपया भी इधर उधर नहीं हो रहा है। हम लोग खुद जा रहे हैं, हम लोग खुद देखते हुए आए, हम लोग बार बार उनसे बात करते रहते हैं, तो आपका पैसा एक रुपया भी इधर उधर नहीं हुआ है। अभी की स्थिति में आप लोग जान लीजिए कि 4 तारीख को सुनवाई होने वाला है, कृपया करके इसके लिए सहयोग कर दें तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा।